बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज का आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप के बारे में, क्योंकि इस समय सारे बच्चों के स्कूल जो है बंद है और कई स्कूल जो हैं ऑनलाइन क्लासेस के बहाने जो है पूरी फीस से हटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के आधार पर आया है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिसमें आप छोटे से छोटे बच्चे को भी पढ़ा सकेंगे अपने घर पर रहकर, या वो बच्चा खुद ही देखकर पढ़ सकेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच लाया जाए और उस ऐप को मैं अभी डाउनलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें हिंदी मीडियम, भोजपुरी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कई सारी भाषाओं में जो क्लासेस हैं, एक क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं, यानी फर्स्ट से 12th तक। ठीक है, तो मैं उस ऐप को डाउनलोड कर लूँगा अभी, जिसका नाम है दीक्षा ऐप। ये आप देख सकते हैं, इसका लोगो भी आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका लोगो देखने मेरे पास ऑलरेडी ये ऐप है, इसलिए मैं इसे फिर भी अपडेट कर देता हूँ। आपको बस जो है इंस्टॉल करना होगा, तो मेरे पास ये ऐप ऑलरेडी है। इसे जब आप डाउनलोड करेंगे, इसके बाद मैं दिखाऊंगा इस ऐप को खोल कर। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, इसमें आप बहुत बहुत सारा पार्ट्स जो हैं घर पर रहकर बच्चों को पढ़ा सकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। मैं अभी तुरंत अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, 10.51 MB इसमें अपडेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पास है, लेकिन मैंने सोचा कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कि हमारे जितने भी फ्रेंड हैं या जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उन बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी, तो वो उनके लिए ये ऐप बहुत आसान कर देगा। इसमें सारे सिलेबस जो हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, भोजपुरी मीडियम, सभी क्लासेस उसमें सीरियल वाइज हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं खुद इसमें देख देख के बहुत सारे चीज़ें जो हैं छोटे बच्चों को बताता हूँ कई बार, और आप भी इसे देख कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये बस एक सेकेंड का टाइम और लगेगा, उसके बाद मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ये ऐप जो है बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, जिसमें आप देख सकते हैं 4.4 यहाँ पे इसकी रैंकिंग में है। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, और ये हो गया ओपन। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए, इसमें कुछ जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो उसमें मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन हो सकता है आ जाए, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर जो है हिंदी मीडियम, अवधी मीडियम, भोजपुरी मीडियम, ब्रज भाषा मीडियम, बुंदेलखंडी, ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम। तो जो मान लीजिए इंग्लिश मीडियम का देखना है, तो इसमें इंग्लिश मीडियम टच करते ही इसमें देखिए फर्स्ट टू थ्री क्लास, देखिए जिस क्लास में देखिए सिलेबस इसमें, ये देखिए इस तरह से सिलेबस, अधिक पुस्तकों के बारे में कंटेंट से देखें। इसमें लैंग्वेज आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए जैसे हिंदी मीडियम को आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्लास मान लीजिए आपने देखना है, तो यहाँ पर पहली क्लास में आप देख सकते हैं कितने सारे, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्लास में देखिए सिलेबस आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, जिसमें आप जितना वीडियो चाहे वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो चाहे ऑडियो सुन सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए इसमें क्लास में मान लीजिए 8th की मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा पर्यावरण यह आ गया, यहाँ पर हमारे प्राकृतिक संसाधन। अब हमारे प्राकृतिक संसाधन में देखिए, अब इसमें फिर से ओपन करते हैं, ये देखिए जल संचय, बहुत कुछ है इसमें जो चीज़ आप आराम से पढ़ सकते हैं, बच्चे जो हैं घर पर रहकर कुछ सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब मान लीजिए इंग्लिश मीडियम है कोई बच्चा, उसको जो है नाइन्थ में है, वो पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स पर वो जैसे क्लिक करेगा, उसके लिए उसके सामने जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वर्किंग, ये देखिए वर्किंग कैपिटल के बारे में आगे बढ़ें, ये देखिए आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद रचयिता, ये देखिए नाइन्थ क्लास में जो सारी चीज़ें हैं इसमें आप आराम से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए और भी बहुत सारी, जैसे अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, बहुत सारी भाषाओं में कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ऐप है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो लोग और भी लोगों को बताएं, जिससे कि और भी लोगों को फ़ायदा हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो करता हूं एंड, और एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच आऊँगा जल्दी से कोई नई वीडियो लेकर, और तब तक के लिए मैं फ्रेंड्स आप सभी से विदा लेना चाहूँगा और यहीं पर इस वीडियो करता हूँ एंड। थैंक यू वेरी मच।